हेलो फ्रेंड्स, कोडर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनीस और आज हम बात करेंगे डीआरसी आईआरसी के बारे में। तो डीआरसी और आईआरसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये कब आप सुनने को मिलता है, जब आप टीसीएस में अप्लाई कर देते हो और उनके तरफ से काफ़ी सारा ऐसा मेल आता है कि आपकी डीआरसी इस तारीख को है और आईआरसी इस डेट को है। और आईआरसी और डीआरसी का एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में आप कभी भी वो टेस्ट दे सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीआरसी की। तो डीआरसीआर जब आप टीसीएस में अप्लाई करते हो तो अगर आप रिमोट लोकेशन चूज करते हो टेस्ट देने के लिए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आप टेस्ट अपने घर से देना चाहते हो, तो वो फैसिलिटी टीसीएस में है। और उस फैसिलिटी को कंडक्ट कराने से पहले आपको दो टेस्ट देने होते हैं जिसको हम डीआरसी और आईआरसी कहते हैं। तो डीआरसी मतलब ड्राई रन चेक, तो ड्राई रन चेक आईआरसी के बाद होता है। तो आईआरसी क्या है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो आईआरसी का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस चेक। तो ये क्यों कराया जाता है? फिर TCS जब भी अपना टेस्ट कराती है तो उनका एक एप्लीकेशन होता है जो आपको डाउनलोड करना होता है। तो जिस दिन भी आपकी टेस्ट एक्चुअल टेस्ट होती है उस दिन आपको वो डाउनलोड नहीं करना। इसलिए वो क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको IRC का एक लिंक देते हैं। उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक zip फाइल आता है, उस zip फाइल को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो। वो एक्चुअली एक स्विंग बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें आपको अपनी की डालनी होती है और की भी उसी समय जनरेट होती है। उस की को कॉपी पेस्ट करना होता है, बस क्लिक कर देना है ओके, और फिर आपकी वो खुलेगी। और खुलेगी तो खुलने के साथ साथ वो जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रनिंग होगी उस विंडो में, उस सबको क्लोज कर देगी खुद से, आपको नहीं करना। और फिर वो फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो जाती है। और जैसे ही वो फुल स्क्रीन मोड में एक बार ओपन हो गई तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। जब तक आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो एप्लीकेशन बंद नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडनेस चेक का क्या मतलब है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडनेस चेक का मतलब यह है कि आपकी मिनिमम जो क्राइटेरिया है, जो आपके सिस्टम को फुलफिल करना है बिफोर गिविंग द एक्चुअल एग्जाम, वो चेक किया जाता है कि क्या आपके सिस्टम में है या नहीं। तो मैं तो हमेशा से कहता हूं कि किसी भी टीसीएस के एग्जाम देने से पहले आईआरसी और डीआरसी जरूर दे दें, क्योंकि ये दोनों चीजें देने के बाद आपको एक तो उस एप्लीकेशन के बारे में काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी, दूसरा आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वो इस चीज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। आप एक्चुअल एग्जाम के डे कोई दिक्कत तो, कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं देगा आपका सिस्टम। तो क्या क्या चेक किए जाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर रेडनेस चेक में आपके वेबकैम चेक किए जाते हैं, आपके माइक्रोफोन चेक किए जाते हैं, आपकी स्टोरेज चेक की जाती है, आपकी इंटरनेट बैंडविड्थ चेक की जाती है। तो इतने चीज़ों को एक साथ वो चेक कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेडनेस चेक में। और वो टेस्ट एक्चुअल टेस्ट की तरह ही होता है, बस क्वेश्चन उसमें डमी होते हैं जिनका आंसर सब दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। उसके मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एक्चुअल एग्जाम डे के दिन, आप चाहे वो उसमें फेल कर जाओ या पास कर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन वो टेस्ट जरूर देना चाहिए क्योंकि वो टेस्ट देने से आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा सिस्टम सही है, और सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि ये बच्चा आराम से घर पे बैठ के एग्जाम दे सकता है, इसके पास स्टोरेज, पावर स्टोरेज, इंटरनेट बैंडविड्थ सब कुछ सही है। तो ये दोनों चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडनेस चेक से क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब ड्राई रन चेक क्यों होता है? तो जैसे ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेडनेस चेक दे देते हो, आईआरसी कंप्लीट कर लेते हो, उसके कुछ दिनों बाद एक्चुअल एग्जाम के पहले और आईआरसी के बाद बीच में कभी डीआरसी वो कंडक्ट करा देंगे। तो डीआरसी का मतलब होता है ड्राई रन चेक। तो यार, जब भी आप कोडिंग क्वेश्चंस देते हो, जब भी आप कोडिंग क्वेश्चंस के एग्जाम देते हो जिसमें आपको कोड लिखना पड़ जाए, उसको रन करना पड़ जाए, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए वो ड्राई रन चेक कराते हैं कि आपका सिस्टम एक्चुअल में वो प्रोग्राम रन कर पा रहा है कि नहीं, क्या कोई उसे दिक्कत आ रही है उस प्रोग्राम को रन करने में। तो ये ड्राई रन चेक में क्लियर हो जाता है। तो आईआरसी और डीआरसी आप जरूर दें, एग्जाम एक्चुअल एग्जाम के मतलब एक महीने पहले से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस लैपटॉप, जिस सिस्टम में आप आईआरसी डीआरसी दे रहे हो उसी सिस्टम में आप एक्चुअल एग्जाम दो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो आपकी वो पोर्टेबिलिटी रहती है कि ये सिस्टम में मैंने आईआरसी डीआरसी दिया था और दोनों चीज़ें क्लियर चली थी, इसका मतलब है एक्चुअल एग्जाम भी अच्छे से चलेंगे। अब मान लीजिए आप किसी लैपटॉप में आईआरसी दे दिए, किसी में डीआरसी दे दिए, राइट, और एक्चुअल एग्जाम आप किसी और में दे रहे हो, तो आपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर लिया किसी और लैपटॉप में, एग्जाम एक्चुअल एग्जाम आप किसी और लैपटॉप में दे रहे हो। तो मान लो उसकी माइक्रोफोन काम नहीं कर रही, मान लो उसको वेबकैम अच्छे से काम नहीं कर रही, तो आप एक्चुअल एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप आईआरसी डीआरसी दो तो एक्चुअल एग्जाम जिस लैपटॉप में देना है आप उसी में दो। और जब भी आप कैमरा प्रोक्टर्ड असेसमेंट देते हो टीसीएस में तो आईआरसी डीआरसी इज अ मैंडेटरी स्टेप, तो आपको देना ही देना है। आपको लॉगिन करके भले लॉग आउट हो जाए लेकिन वो स्टेप करना ही करना है। जब तक आप वो स्टेप नहीं करेंगे तो मे भी आप एलिजिबल ना हो कि आप फाइनल एग्जाम दे पाए, राइट, क्योंकि आपकी सिस्टम ही नहीं चेक हुई। तो आप अगर आपकी सिस्टम चेक ही नहीं हुई तो हो सकता है आप एक्चुअल एग्जाम के डे के दिन जब आप लॉगिन करो तो काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर आप चैट बॉक्स में टाइप करते रह जाओगे। और इतने नंबर ऑफ पर्सन्स एक बार में एग्जाम देते हैं, मतलब लैक्स में उनका नंबर होता है,
10 लाख 20 लाख के बच्चे एक बार में वो एग्जाम देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें आपको सहनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप IRC DRC हमेशा दो। IRC मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडनेस चेक, जिसमें आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप की जो पोर्टेबिलिटी है वो चेक की जाती है, और ड्राई रन चेक का मतलब ये होता है कि जब आप कोड रन करोगे तो वो सही से आप रन कर पा रहे हो कि नहीं, इस चीज़ को चेक किया जाता है। तो आई होप कि ये DRC और IRC वाली चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड बाय।